So hind everyone. Today we will cover the chapter 3 of our special subject, which is principle of lights. So let's start. So the question 1 is dash is the mass per unit volume. So the answer is density is said to be the mass per unit volume. Question second is pressure is dash per unit area. So the answer is pressure is force per unit area. Question 3 is SI unit of force. So the answer is Newton. Question 4. Rate of doing work is known as power. Question 5. Dash is the point through which the weight of an aircraft acts. Answer is center of gravity. Question 6. Acceleration is the rate of change of dash. Answer velocity. Question 7. Dash is the rate of change of position. So, answer is speed is the rate of change of position. Question 8. अ बॉडी डिजाइन टू प्रोड्यूस मोर लिफ्ट देन ड्रैग इज कॉल्ड ऐसी कौन सी बॉडी है जो ज़्यादा लिफ्ट प्रोड्यूस करे देन ड्रैग इज कॉल्ड एरोफाइल सो क्वेश्चन नाइन इज एंगल बिटवीन द कॉर्ड लाइन एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ एन एयरक्राफ्ट सो द आंसर इज एंगल ऑफ इंसिडेंस क्वेश्चन टेन डैश इज़ अ लाइन ज्वाइनिंग देंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लीडिंग एंड ट्रेलिंग एजेस ऑफ एन एरोफॉइल ये थोड़ा सा गलत हो गया है ऑफ एन एरोफाइल सो द आंसर इज कॉड लाइन क्वेश्चन इलेवन लिफ्ट इज डैश फोर्स सो सबको पता है लिफ्ट एक अपवर्ड फोर्स होता है थ्रस्ट इज डैश फोर्स थ्रस्ट एक फॉरवर्ड फोर्स होता है नेम पार्ट वेयर द पायलट सिट्स इन द एयरक्राफ्ट कहाँ पर बैठता है पायलट आंसर इज कॉकपिट क्वेश्चन फोर्टीन द फोर्स एक्टिंग बैकवर्ड ऑन एन एयर एरोफॉयल इज़ कॉल्ड ड्रैग the downward force acting on an aircraft weight question 16 drag is the dense uh, dash of the air to any moving object answer is resistance question 17 is the relationship between the velocity and the pressure exerted by moving liquids is described by bernoulli's principle इक्वेशन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये जो ये वाला जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट्स है उसमें ये बताते हैं कि रॉकेट मतलब ये सर ये वाला प्रिंसिपल यूज़ होता है तो ये वाला जो क्वेश्चन था मैंने डाल दिया है इसमें बर्नॉलीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या होता है सो द क्वेश्चन एटीन इज वॉट इज लिफ्ट इक्वेशन लिफ्ट इक्वेशन होती है हमारी एल इक्वल हाफ रो वी स्क्र एस सी एल लर्न कर लेना आप लोग क्वेश्चन नाइनटीन वॉट इज एल रिप्रेजेंट इन लिफ्ट इक्वेशन स्मॉल एल क्या रिप्रेजेंट करता है तो वो एल इज़ द अमाउंट ऑफ लिफ्ट प्रोड्यूस्ड क्वेश्चन ट्वेंटी इज वॉट इज एस रिप्रेजेंट इन लिफ्ट इक्वेशन तो जो एस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है सरफेस एरिया ऑफ द विंग क्वेश्चन ट्वेंटी वन डेश आर हिंस सरफेस माउंटेड ऑन द ट्रेलिंग एजेस ऑफ अ फिक्सड विंग ऑफ एयरक्राफ्ट फ्लैप्स वैसे सारे क्वेश्चन दे दिए ऑलमोस्ट जितने भी बन सकते थे बट आप लोग एक बार और रीड कर लेना लेकिन जितने भी एम वाले क्वेश्चन पार्ट बन सकता था वो मैं सारे आपको निकाल के दे रही हूँ सो द क्वेश्चन ट्वेंटी टू इज डैश आर एरोनामिक सर्फेसिज ऑन द लीडिंग एज ऑफ द विंग्स ऑफ एयरक्राफ्ट सो द आंसर इज स्लैट क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री फुल फॉर्म ऑफ स्टॉल तो आंसर है शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग ये जो शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग है फ्लैप्स में यूज़ होती है जो फ्लैप्स हैं वो स्टॉल uh, के लिए यूज़ किए जाते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी फोर इज़ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्लैड्स तो जो स्लेड्स हैं वो हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं वो फिक्सड होता है एक एरोमेटिक होता है और एक पावर्ड होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना सो द लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव इज डैश कन्वर्ट शाफ्ट पावर फ्रॉम द इंजन इंटू थ्रस्ट तो वो आंसर है हमारा प्रोपेलर सो आई होप आपको वो पी डी एफ अच्छी लगी हो चैप्टर थ्री कवर हो गया पूरा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ जय हिंद